मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एस के भारती लक्ष्य में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क, जो थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच का एक ब्रांच पेपर है, मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि ये पेपर राजीव सर का है, इंजीनियर राजीव, जो मेरे भी गुरुजी हैं और मैंने उन्हीं से नेटवर्क पढ़ा है, तो वही पढ़ाते हैं। बट अभी आपके पास रीचेबल नहीं है, वो पहुँच नहीं पा रहे हैं मेरे पास। स्थिति ऐसी विपरीत है अभी हमारे पास कि उनको लाने में परेशानी हो रही। दो तीन बार मैंने प्रयास किया बट वो पहुंच नहीं पा रहे हैं पटना। लेकिन तब तक मैं उनका कार्यभार ले रहा हूं। मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको नेटवर्क में दूंगा, बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। उनका ही कहना है कि पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया जाए, क्योंकि जो आपका नेटवर्क का सिलेबस है, अगर उस सिलेबस को अगर आप पढ़ रहे होंगे या पढ़ते होंगे या शुरुआत में पढ़ेंगे मेरे लेक्चर बनाने के बाद, तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। सिलेबस को देखिएगा, अभी जब मेरा लेक्चर देख रहे होंगे तो आपको मन करेगा सिलेबस देखने का, और एकदम देखिएगा आप सिलेबस, तो सिलेबस देखिएगा तो उसमें कुछ भी ऐसा टर्म आपको समझ में ही नहीं आएगा। यदि आप प्लस टू के स्टूडेंट हैं तो आपको थोड़ा समझ में आएगा, क्योंकि प्लस टू में कुछ चीज़ें बता दी जाती हैं। लेकिन यदि आप टेंथ क्लास पास किए हैं तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि उसमें पूरा सिलेबस में, ठीक है, तीन चार शब्द दिखेंगे, अल्फ़ाबेट्स आर एल, ठीक है, सी, कुछ इस तरह का शब्द बार बार मिलेगा। उसमें एक दो शब्द और मिलेगा, ए सी डी सी, ये सब शब्द, ठीक है, थ्री फेज, सिंगल फेज। चलिए मैं शब्द लिख दे रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं बताऊँगा इन सब के बारे में। थ्री फेज, सिंगल फेज, ठीक है, सिंगल फेज, थ्री फेज, इस तरह की बहुत सारे टर्म्स लिखे हुए हैं। तो एक अगर आप, मैं आपको एक ही बार में इन सब टर्म को डायरेक्ट यूज़ करके और मैं सिलेबस स्टार्ट कर दूं, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हम लोगों का जो सिलेबस बना है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर, इसमें कहीं भी करंट का जिक्र नहीं होता है, कहीं भी इलेक्ट्रॉन का जिक्र नहीं होता है, कहीं भी रेसिस्टेंस का जिक्र नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग इन सब चीज़ों से एकदम अभी बहुत दूर हैं। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क नाम क्यों पड़ा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मतलब सर, सर्किट का मतलब क्या होता है पहले वो तो जाने, फिर नेटवर्क क्या होता है वो तो जाने। लेकिन सर्किट और नेटवर्क पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को मेरे को क्लियर करना होगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप नहीं जानते हैं, ठीक है। एक दो एग्जांपल मैं यहाँ पर दे देता हूँ, उसके बाद आप खुद सोचिएगा कि आपको कितना नॉलेज आता है, ठीक है। यदि मैं बोलूँ कि तीन ये ऐसा कुछ है, तो आप बोलेंगे सर ये तो रेसिस्टेंस है, बहुत खुश हो रहे होंगे कि मैं इसको जानता हूँ, ये रेसिस्टेंस आर है, ठीक है। लेकिन ये नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ, अगर ये दो रेसिस्टेंस मैं यहाँ पर लिख दिया आर वन और आर वन, ठीक है, तो आप बोलेंगे टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा बताओ, तो आप बताओगे सर ये तो और आसान है, आर वन प्लस आर टू होगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस आपको आता है, ठीक है। हमको जो क्वेश्चंस आपसे पूछना है वो इस तरह का क्वेश्चंस है, ठीक है, कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं क्या। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए कह दिया R1, R2 और R3, तब उस समय आपका दिमाग घूमने लगेगा, ठीक है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अभी जितने लोग लेक्चर देख रहे हैं, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R1 प्लस R2 निकाल दिया, लेकिन इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जितने लोग मेरा लेक्चर देख रहे होंगे उसमें शायद ही कोई स्टूडेंट इसका कंप्लीट आंसर दे पाएगा कि एग्जैक्टली इसका आंसर क्या होगा। ये मत सोचिए यहाँ रेसिस्टेंस है, सीधा वायर ऐसे कनेक्टेड है और वायर कनेक्टेड है, R1, R2, R3 है, करके देखिए। अभी तो मैं, मेरा काम है ये सब बताना, ठीक है। तो बेसिक्स कंसेप्ट, पहले बेसिक्स कंसेप्ट आपके पास क्लियर नहीं है। कुछ कुछ टर्म्स हैं इलेक्ट्रिकल की दुनिया में, उसको क्लियर करना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे आर, आर रेसिस्टेंस को कहते हैं, एल इंडक्टर, आर रेसिस्टर को कहते हैं, एल इंडक्टर को कहते हैं, सी कैपेसिटर को कहते हैं, ठीक है। ए सी, अब ए सी शब्द आ गया तो बहुत सारे लोग ए सी का मतलब एयर कंडीशन समझते हैं। अल्टरनेटिंग करंट, इसका फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग नाम क्यों पड़ा पहले वो समझेंगे। बहुत सारे लोग अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं और जानते भी हैं, सब कुछ जानते हैं, और वो इस तरीके का बोलते हैं ए सी देखा है तो हाँ सर देखे हैं, ए सी कैसे देखा है, कहाँ देखा है, ठीक है, देखा ही नहीं है एसी आज तक, आप देखे हैं एसी तो बताइए। तो बोला सर वायर में तो एसी है, तो कहाँ दिख कहाँ रहा है आपको एसी, ठीक है। बोले देखे तो हैं सर, एसी ऐसा होता है, ऐसा सांप की तरह, साइनोसोइडल वेव, साइन वेव बोलते हैं इसको, आप मैथ वाले सर इसको साइन वेव बताए होंगे।
कैसे साइन वेव आया, साइन वेव क्यों बनता है, सारा क्वेश्चन का जवाब आपको मैं यहाँ पर दूंगा। बेसिक्स कंसेप्ट मैं क्लियर कराऊंगा, बाकी सर आएंगे तो आपको पूरा डिटेल आपको वन बाय वन चैप्टर के साथ लेके जाएंगे। बेसिक्स कंसेप्ट में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहाँ पर आप नहीं जानेंगे। मैंने कुछ टर्म लिख रखा है, मैं इसलिए जानबूझ करके लिख रखा कि आपको इसमें से कितने टर्म्स के डेफिनेशंस आते हैं और डेफिनेशंस के साथ साथ उसका मतलब समझ में आता है। एक बच्चे से मैंने पूछा था, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा, मैं वही डेफिनेशन आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप क्या जानते हैं, ठीक है। चलिए, मैं एक बच्चे से पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय करंट, करंट का डेफिनेशन पूछा, सिर्फ मैंने करंट का डेफिनेशन पूछा, ठीक, व्हाट डू यू मीन बाय करंट। जैसे ही मैंने करंट का डेफिनेशन पूछा, वो जो इंजीनियर था, जो आप अभी हैं बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वो आपके अनुसार से डेफिनेशन आपने क्या दिया, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, इज कॉल्ड करंट, आपने ऐसा डेफिनेशन दिया, ठीक है, आपके अनुसार सही था। लेकिन यदि कोई बच्चा जो आपके घर में एकदम छोटा सा बच्चा है, 5 क्लास 6 क्लास का बच्चा है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को आज तक जानता नहीं है क्योंकि उसके बुक्स में इलेक्ट्रॉन 8th क्लास के बाद शुरू होता है, वो अगर आपसे पूछे करंट क्या होता है, अगर उसको आप समझाएंगे फ्लो ऑफ चार्ज, भी पूछेगा चार्ज क्या होता है, तो बोलेगा अभी तो बच्चा है बाद में सीखेगा, ऐसा आप बताना बोलना पड़ेगा। तो करंट का डेफिनेशन अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो आप इसका डेफिनेशन उसको समझा नहीं पा रहे हैं। लेकिन यहीं पर उस बच्चे को नदी के किनारे ले जाइए, नदी के किनारे देखिएगा, ठीक है, नदी जो है बहुत तेज बहाव में बह रहा है, तो उसको हिंदी में बहाव बोलते हैं, और आप अंग्रेजी में पूछेगा कि बहाव को क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे करंट जा रहा है, वाटर का करंट फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर का करंट है ये, वाटर करंट, तो वहाँ पर करंट शब्द आ गया, ठीक है। क्या वहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, नहीं, यहाँ पर एक डेफिनेशन आता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट। यहाँ पर हम लोग जो है उस तरह का डिफिनेशन रट लेते हैं और हम लोग उसी तरह की बातें बोलते हैं। जैसे करंट का डेफिनेशन मैंने क्या दिया, ठीक है, मैंने आपसे पूछा था, आप बोलेंगे फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। लगभग 90% स्टूडेंट इस तरह के डेफिनेशन देंगे, 90 के 100% स्टूडेंट यही डेफिनेशन सोच रहे होंगे वो करंट का। क्यों? क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ इलेक्ट्रिकल की दुनिया में पढ़ा रहा हूँ, तो ऑब्वियस ही बात है मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात करूँगा। लेकिन मेरे से आप पूछेगा सर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट, तो मेरा डेफिनेशन इसका होगा फ्लो ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड करंट, फ्लो ऑफ एनीथिंग। ऐसे ठीक है, ये बोलना कि यहाँ सर ये डेफिनेशन किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, सही बात है कि नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। फ्लो ऑफ एनीथिंग, जैसे मान लिया मेरे पास पानी है और पानी को मैंने फ्लो करा दिया तो वाटर करंट हो जाएगा, ठीक है। हवा है, हवा को फ्लो करा दिया, एयर करंट हो जाएगा, ठीक है। यदि मेरे पास दूध है, दूध को मैंने फ्लो करा दिया, मिल्क करंट हो गया। यदि मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से सुनिएगा, यदि मेरे पास इलेक्ट्रॉन है और मैंने इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा दिया, ठीक है, अब फ्लो कराने के लिए कंडक्टर चाहिए, तार में फ्लो कराएंगे, तो यदि मैं इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा दिया तब जाकर के आप बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट ना बोल करके जानते हैं कि हम इलेक्ट्रिकल की दुनिया में हैं ही, तो इलेक्ट्रिक क्यों यूज़ करें, इसलिए करंट बोल देते हैं। इसलिए करंट का डेफिनेशन आप बोलते हैं फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। तो मेरा बात समझ में आ गया होगा कि बेसिक्स कंसेप्ट हमको यहाँ समझाना है। मैं इन सब चीज़ों पर अच्छे से डीप लेवल में आऊँगा, वन बाय वन छोटे छोटे टर्म को बताऊँगा, और ये एक बेसिक फिजिक्स में भी आता है, फिजिक्स का भी एक पार्ट है, ठीक है। यदि 12th क्लास में थे तो फिजिक्स में ही ये सब पढ़ना था, ठीक है, तो उस समय भी ये बेसिक्स में आता है सारा चीज़। तो ये सब चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, AC क्या होता है, DC किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे ये AC है ये DC है, AC DC में डेंजर कौन होता है, कौन ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी ज़्यादा है, ठीक है, सारी बातें हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। R क्या होता है, R फॉर रेसिस्टेंस मैंने बताया, L फॉर इंडक्टर, इंडक्टर कहाँ से आया, ठीक है, C फॉर कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या चीज़ होता है, इन सब के बारे में पूरा डिटेल हम लोग सीखेंगे। चलते हैं, तो मैं एक एक करके टर्म्स आपको पहले टर्म्स मिलाता हूँ। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ मतलब इलेक्ट्रिकल की दुनिया में एंटर करने से पहले उनके परिवार में कुछ लोग मिलते हैं इलेक्ट्रिकल की दुनिया के, उन परिवार से उनका आपका परिचय होना ज़रूरी है। यदि उनको नहीं जानिएगा फिर प्रॉब्लम होगी, फिर आप घुल मिल नहीं पाइएगा और अच्छे से पढ़ नहीं पाइएगा। तो चलिए एक एक मेंबर से मैं मिलाता हूँ, ठीक है। मुख्यतः मैंने सारे लोगों को लिख रखा है यहाँ पर, एक एक करके मैं बताता हूँ। EMF, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स,
डिटेल में आऊँगा धीरे धीरे। मैं पहले लोगों से मिला रहा हूँ एक एक करके, फिर मैं एक एक टर्म को यूज करूंगा, मैं सबका डेफिनेशन के साथ डिटेल वन बाय वन समझाऊंगा। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, रेसिस्टेंस, ठीक है, करंट, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रतिरोध, इसको बोलते हैं धारा। ये हो गया पोटेंशियल का मतलब होता है विभव, ठीक है, इसे पोटेंशियल डिफरेंस हिंदी में बोलते हैं विभवांतर, ठीक है, चार्ज आवेश, रेसिस्टिविटी इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का हिंदी क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको बोलेंगे चालकता, और कंडक्टेंस चालक, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने हिंदी बताया, तो आप हिंदी से ज़्यादा मतलब धीरे धीरे आप अंग्रेजी पे आइए, ठीक है। और मैंने हिंदी इसलिए बताया क्योंकि आप हिंदी में ही पढ़े हुए हैं, मैक्सिमम लोग इसमें टेंथ क्लास के बोर्ड से आए हैं, टेंथ बोर्ड बिहार बोर्ड से आए हैं और हिंदी जानते हैं, इसलिए मैंने हिंदी आपको कर दिया। बट धीरे धीरे आप इंग्लिश पे आएंगे और हिंदी भूल जाएंगे, वो मैं आप थर्ड सेमेस्टर के एंड होते होते मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप पराठेदार अंग्रेजी किताबों को पढ़ने लग जाएंगे और आपका हिंदी अंग्रेजी से जो डर है वो हट जाएगा। चलिए फिर आते हैं, ठीक है, रेसिस्टेंस किन किन बातों पर निर्भर करता है, आप पढ़े भी होंगे रो एल बाई ए, अगर नहीं पढ़े होंगे तो मैं यहाँ पढ़ाऊँगा। रेसिस्टेंस लेंथ पर निर्भर करता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर निर्भर करता है, बट कैसे उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, श्रेणी क्रम समूहन, ये भी 10 क्लास में था और मैंने जब एग्जाम दिया था तो क्वेश्चन आया भी था मेरे पास, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है, यानी समानांतर क्रम समूहन प्रतिरोध का। सर्किट क्या होता है, देखिए यही सर्किट यहाँ पर लिखा है आपके सब्जेक्ट का, सर्किट, सर्किट किसे कहते हैं, ठीक है। फिर एक नया शब्द आ गया लूप, सर्किट की दुनिया में एक शब्द आएगा लूप, बहुत बार बोलेंगे सर, ठीक है। मैश, मैश भी बहुत बार यूज होगा, तो लूप और मैश में कुछ अंतर है, दोनों एक ही जैसा है बट दोनों में अंतर है। नोड, ठीक है, ब्रांच, एक शब्द और जोड़ देता हूँ, जंक्शन, और पटना जंक्शन नहीं जी, जंक्शन आएगा, जंक्शन के बारे में भी बताऊँगा, नोड, जंक्शन, ठीक है। एसी, एसी सर्किट, डीसी, डीसी सर्किट, और पावर, ये सब टर्म्स थे जिनसे मैंने आपको सिर्फ मिलाया, ठीक है। अब बोलिए सर एक एक करके अगर आप समझाते तो बेहतर होता, तो मैं एक एक करके सबके बारे में वन बाय वन समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फर्स्ट लेक्चर है, इजी वे में हम लोग चलेंगे, आराम से चलेंगे, मेरा काम है आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे ले जाना। कॉपी पेन अच्छा से रखना है, ये बेसिक कंसेप्ट है, और बेसिक कंसेप्ट में मैक्सिमम मैं ढेर सारे प्रॉब्लम्स कराऊंगा और पॉइंट्स को मेंशन कराऊंगा। ये पॉइंट्स आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगा, छोटे छोटे पॉइंट्स, ऐसे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आप इग्नोर करते हैं और वहीं से क्वेश्चंस एराइज हो जाता है, और इतने छोटे क्वेश्चंस को सोचते होंगे ये बहुत छोटा है बट उसको आप भूल जाते हैं। जैसे किसी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको उसका वैल्यू आपको मालूम नहीं होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो ये सब चीज़ें छोटे छोटे क्वेश्चंस में एकदम पर्टिकुलर लाइन बाय लाइन स्पेशल तरीके से मैं लिख दूंगा और आप उसको समझाऊंगा भी, उसको आप लिखेंगे और कॉपी में मेंशन करेंगे। जब बेसिक कंसेप्ट ख़त्म हो जाएगा तब हम लोग चैप्टर पे एंटर करेंगे, ठीक है, चैप्टर पे आराम से धीरे धीरे चलेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट ख़त्म होने में कम से कम 7 से 8 लेक्चर आपका लगेगा, क्योंकि इस 7 से 8 लेक्चर के बिना आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा नेटवर्क में, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट लेने के लिए आप तैयार हैं, चलिए हम लोग एक एक करके बेसिक कंसेप्ट पे आते हैं और एक एक करके इसमें से टर्म्स यूज़ करते हैं। चलते हैं देखते हैं बेसिक कंसेप्ट को। तो नया टॉपिक हम लोग देख रहे हैं, एक फर्स्ट टॉपिक आज हम लोग नेटवर्क में लिए, फर्स्ट नेम इज़ ईएमएफ, ठीक है। ईएमएफ क्या होता है आराम से समझते हैं, ठीक है, बोर्ड में मैंने तो लिखा टाइम बचने के लिए, और इसको आप अपने लैंग्वेज में, बहुत सारे स्टूडेंट एक लाइन का डेफिनेशन याद करते हैं और रटते हैं डेफिनेशंस, नहीं, लैंग्वेज को अपने से बनाना है, ठीक है। मैंने कोशिश किया है कि सारे लैंग्वेज अपने से बनाएं और ख़ुद से लिखें, ठीक है। अभी थोड़ा सा अंग्रेजी में प्रॉब्लम ज़रूर होगा लेकिन धीरे धीरे ये अंग्रेजी अच्छा हो जाएगा आपका, मैं पढ़ के भी सुनाऊँगा और हिंदी भी करूँगा, लेकिन पहले समझते हैं ईएमएफ होता क्या है। सबसे पहले एक मेटल पीस लीजिए, ठीक, एक मेटल पीस, ठीक है, कोई भी धातु का टुकड़ा,
यदि मैं मेटल की बात करूं तो जहां तक आप जानते हैं मेटल एक कंडक्टर होता है। किसी भी कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक, यहां से क्वेश्चन एक नया निकल गया कि सर मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे पाए जाते हैं, क्यों मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसका जवाब, ठीक है, मेरे ही सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं ही दूंगा आपको। ठीक है, तो आप लेक्चर में जाएं, वहाँ पर आपको मिलेगा। हालांकि अभी लेक्चर नंबर बनने वाला है चौथा, उसमें मैं इसका जवाब दूंगा, तो आप उसके लिए बस इंतज़ार करें, इसी के बाद वो लेक्चर आ जाएगा। तो धातु में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मैंने पूछा भी है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन, फिलहाल इसका जवाब उधर दूंगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे पाए जाते हैं। हाँ, लेकिन हम लोग को सिर्फ ये जानना है कि धातु के अंदर ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर। अब इस फ्री इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर होता है वो रैंडमली घूमते रहता है, आवारा की तरह इधर उधर घूमते रहता है। ठीक है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहता है, रैंडमली मूव करते रहता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री का मतलब ही होता है आज़ाद। अगर आपको फ्री छोड़ दिया जाए तो आप एक जगह खड़े तो रहेंगे नहीं, आप इधर उधर घूमते रहेंगे। वैसे इसके फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते हैं, इसलिए फर्स्ट लाइन आपको पढ़ा रहा हूँ। EMF means electromotive force. EMF का पूरा नाम होता है electromotive force. We know that all metal contain large number of free electron. ठीक है, यहाँ तक देखिए, लैंग्वेज को अपने से बनाना है, धीरे धीरे चलना है, कोई टफ नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो लैंग्वेज ही, इतने सारे, एक लड़का इसको देखा बोलता इतना लंबा याद कैसे हुआ, कुछ मैंने नहीं किया, मैंने जो हिंदी में बोला उसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ। वी नो दैट, हम जानते हैं, ऑल मेटल कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विच मूव रैंडमली। रैंडमली का मतलब होता है इधर उधर जाना। ठीक है, विच मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, इधर इधर उधर जो है सभी दिशाओं में इधर उधर घूम रहा है। इन साइड ए मेटल पीस, उस मेटल के टुकड़े के अंदर इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहा है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप क्या कीजिए, इस मेटल के इस छोर में और इस छोर में एक बैटरी से, बैटरी लेकर तार से जोड़ दीजिए। क्या लेना है, बैटरी लेना है। बैटरी का मतलब आप समझ रहे हैं सेल, ठीक है, जो बाज़ार में मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर डीसी ले कि एसी लें, ये कंसेप्ट बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आप डीसी और एसी दोनों नहीं जानते हैं, इसीलिए आपको सिर्फ बैटरी समझ में आ रहा होगा। चलिए, बैटरी आप ले लीजिए और बैटरी से वायर से जोड़ दीजिए सिंपली। तो मैंने लिखा है इफ़ ए बैटरी और ए वोल्टेज सोर्स, उसी का इलेक्ट्रिकल की दुनिया में नाम आता है वोल्टेज सोर्स, लेकिन हम लोगों के साधारण दुनिया में हम लोग उसका नाम क्या बोलते हैं, बैटरी। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस ए मेटल पीस, मतलब मेटल के दोनों छोरों में यदि मैं बैटरी जोड़ देता हूँ, देन तब क्या होता है, द फ्री इलेक्ट्रॉन विल मूव इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन था, इधर जा रहा था, कभी इधर जा रहा था, कभी उधर, वह इलेक्ट्रॉन एक दिशा में मूव करने लगता है। अब एक दिशा का मतलब किधर होगा, इधर जाएगा कि इधर जाएगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहला कहानी सुनिए, इसके अंदर क्या था, फ्री इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, सेमीकंडक्टर में मैं बताऊंगा। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन जब मैं इसमें बैटरी कनेक्ट किया, तो बैटरी कनेक्ट होने से इलेक्ट्रॉन एक दिशा में चलने लगा। ऐसा क्यों हुआ, तो बैटरी के कारण, बैटरी में एनर्जी होता है, वह धक्का देता है, एनर्जी देता है किसी को, जब एनर्जी देता है तो इलेक्ट्रॉन एक दिशा में चलने लगता है। अब हम आपको धक्का देंगे तो आप आगे की ओर जाएंगे, खींचेंगे तो आप इधर की ओर आएंगे, जिस ओर धक्का देंगे उधर आप चलेंगे। तो इसमें जब इसमें एक एनर्जी मिलता है तो इलेक्ट्रॉन एक दिशा में चलने लगता है। ठीक है, क्वेश्चन फिर किधर जाएगा इलेक्ट्रॉन, इधर की इधर, उसको उसके जानकारी बाद में, थोड़ी देर बाद। ठीक है, आइए, द इलेक्ट्रिकल फोर्स और प्रेशर, जो इस धातु में बैटरी लगाने के बाद जो प्रेशर या फोर्स लग रहा है, ठीक है, दैट काउजेज द इलेक्ट्रॉन मूव इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, जिसके कारण, दैट काउज मतलब जिसके कारण, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में चलने लगता है, वह ताकत या वह प्रेशर जिसके कारण
इलेक्ट्रॉन एक दिशा में चलने लगता है, उसी ताकत को हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो मैंने एक कहानी, छोटा सा कहानी की तरह बनाया। सबसे पहले एक लोहा का टुकड़ा या मेटल का टुकड़ा लेंगे, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। अपने से लैंग्वेज बना रहा हूँ, आप भी अपनी से लैंग्वेज बनाइए। और इसमें दोनों छोर में बैटरी जोड़ देंगे। बैटरी जोड़ने के बाद उस बैटरी के द्वारा एक ताकत या फोर्स दिया जाएगा इलेक्ट्रॉन को, जिससे इलेक्ट्रॉन एक सीधी दिशा में चलेगा। एक सीधी दिशा में, अब वो दिशा भी बताने वाला हूँ, सीधी दिशा में चलेगा, उसी को हम लोग EMF कहते हैं। सर समझाइए इसको अच्छे से। तो मैंने फ़ोटो बना के रखा है, ये एक लोहा का टुकड़ा है, इसे मेटल पीस बोलते हैं, लोहा का टुकड़ा मेटल पीस। इसके अंदर देखिए मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन बना कर रखा है, ठीक है, ये इधर उधर घूम रहे हैं रैंडमली। और मैं इसमें एक बैटरी ले रहा हूँ, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। बैटरी का सिंबल में बड़ा और छोटा यूज होता है, इसको भी थोड़ा समझ लें, ये तो आप सीखे हैं। लेकिन जो बड़ा वाला टर्म होता है ऐसा, इसे हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, ये छोटा वाला को हम लोग माइनस बोलते हैं, करेक्ट। अब आइए, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। तो बताइए नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पॉजिटिव की तरफ आना चाहेगा, तो ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चलना शुरू करेगा। देख लीजिए सारा का सारा इलेक्ट्रॉन एक दिशा में आगे की ओर बढ़ रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन आगे की ओर जाएगा। देखिए ऐसे बढ़ रहा है, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन एक सीधी दिशा में बढ़ना शुरू होता है और इस वायर से निकलता है। देखिए ऐसे निकला इलेक्ट्रॉन, नीचे की ओर आया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर गया यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये इधर और यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन इधर। तो आप इलेक्ट्रॉन किधर आ रहा है अब बता सकते हैं, दिशा किधर जाएगा। जैसे मैंने अभी कहानी सुनाया था ना कि ये मेरे पास एक धातु है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, बैटरी जोड़ा, तो इलेक्ट्रॉन एक दिशा में चलता है, किधर चलता है? तो इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के तरफ आता है, ठीक है, मेटल से निकल कर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो देखिए लिखा है नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, ठीक है, ऋणात्मक है, गेट अट्रैक्टेड, आकर्षित होता है टुवार्ड्स की ओर द पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी, पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी के तरफ आकर्षित होता है, ठीक है। तो किधर आकर्षित होता है? पॉजिटिव। एक लड़का बोला नहीं सर एक काम कीजिए ना, इधर माइनस कर दीजिए आप और इधर प्लस कर दीजिए, अब बताइए। तो जैसे ही बैटरी आप ऐसा जोड़ेंगे, इसके अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन जी पॉजिटिव के तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? माइनस, वह प्लस के तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो ये देखिए इधर चला जाएगा सारा का सारा इलेक्ट्रॉन, ऐसे मूव करेगा, यहाँ देखिए सारा का सारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ से इधर जाएगा, यहाँ से इधर, ठीक है, यहाँ से इधर जाएगा, यहाँ से इधर, ठीक है, इस तरह से ऐसे। तो यहाँ से आपके पास ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन किधर आ रहा है? पॉजिटिव की तरफ। इसलिए एक नोट करने वाला पॉइंट है कि नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ जाता है। अगला मेन पॉइंट, सर इसका यूनिट क्या होगा? EMF का यूनिट, तो EMF का यूनिट वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। कब? इसको अभी आप क्योंकि जूनियर क्लासेस में हैं और अभी आपको पूरा एलोबरेट नहीं किया गया है, तो इसको हम लोग वोल्टेज भी कहेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस भी कहेंगे, एक ही नाम है, ठीक है। तो लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, एक कदम, दो कदम, चार कदम, थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, तो इन तीनों का अलग अलग मतलब निकाला जाएगा और अलग अलग समझाया जाएगा। अलग अलग जगहों पर इनका उपयोग होता है, इसलिए इनका नाम भी बदलेगा। और वोल्टेज को नापने के लिए वोल्ट मीटर, ठीक है, और पोटेंशियल को नापने के लिए डिवाइस का नाम है पोटेंशियोमीटर, जो कि प्रीतम सर आपको मेजरमेंट में बढ़िया से पढ़ाएंगे। हर एक टीचर का अपना एक सेक्शन है, जहाँ भी नापने की बात आ जाएगी चैप्टर हो जाएगा मेजरमेंट, ठीक है, जहाँ भी करंट फ्लो कराने की बात आ जाएगी आपका चैप्टर हो जाएगा सर्किट नेटवर्क।
जहाँ पर बिजली उत्पन्न करके, ठीक है, बिजली उत्पन्न करना और भेजने की बात आ जाएगी, वहाँ पर सब्जेक्ट का नाम हो जाएगा पावर जनरेशन। तो सब लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं, ठीक है, सभी एक दूसरे से मिल के काम करते हैं। और जहाँ कम करंट फ्लो कराने की बात आ जाएगी वहाँ हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर। तो चलते हैं, तो ये था आपका फर्स्ट, मैंने एक टर्म लिया आज ईएमएफ। पता नहीं ईएमएफ आपको कितना समझ में आया, ठीक है, ईएमएफ अभी तक आपने सीखा था बहुत अच्छे से, आपको मैंने बताया, फिर से जाते जाते बता देता हूँ, एक ही चीज़ को चार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप इसको अच्छे से समझें। एक मेटल पीस लेना है, मेटल पीस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते रहते हैं। इसके दोनों छोर में हमको एक बैटरी जोड़ना है, बैटरी जोड़ने से इलेक्ट्रॉन एक दिशा में दौड़ने लगता है, एक दिशा नहीं, इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव की दिशा में दौड़ता है, अट्रैक्ट होता है, ठीक है, जिस फोर्स से इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिस फोर्स से इलेक्ट्रॉन एक दिशा में दौड़ता है उसी फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। यानी इतना सारा में सिर्फ ये डेफिनेशन सही है, सही नहीं मतलब इतना ही डेफिनेशन लिखना था, लेकिन मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया, क्योंकि अगर आप, मैं डायरेक्ट एक लाइन का डेफिनेशन दूंगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा और आप किताबी भाषा के पास जाएंगे। तो किताबी भाषा नहीं बनाना है, आपको समझना है, एग्जैक्ट डेप्थ में जाना है, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, मैं एक ही टर्म आज समझा रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही आएगा, उसमें मैं बाकी टर्म को भी आपको वन बाय वन और धीरे धीरे आराम से समझाऊंगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट नोट्स मांगते हैं, नोट्स तो भेज दूंगा, ठीक है, लेकिन वो नोट्स आपके किसी काम का नहीं रहेगा, इसलिए क्योंकि आप उसको आप कॉपी ही नहीं करेंगे, तो क्यों ना इसी से कॉपी कर लिया जाए। कॉपी करने के दौरान आपको बहुत सारे हार्डवर्ड मिलेंगे, बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे जिसको कि आप आसानी से मतलब नहीं समझ में आ रहा तो आप टीचर से पूछ भी पाएंगे, ठीक है। और अगर अभी आप नोट नहीं करेंगे, मेरा लेक्चर सुन लेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अभी बहुत बच्चे हैं, आप इलेक्ट्रिकल की दुनिया में कदम भी नहीं रखे हैं, आप पहला कदम आप इंटर कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर अगर आपका कदम डगमगाएगा तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरा सजेशन है आप अपने कॉपी पेन को सामने रखिए और लाइन बाय लाइन जैसे मैं पॉइंट वाइज करके लिखता हूँ वैसे, और सारे के सारे फिगर के साथ मेंशन कीजिए। इसमें एक और पॉइंट छूट गया, देखिए ये जो है ये डायरेक्शन ऐसा जो दिख रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, तो इसके अपोजिट दिशा में धारा प्रवाहित होती है। धारा के बारे में जब पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे इसको, धारा उसके उल्टा दिशा में, ठीक है, करंट का डायरेक्शन होता है। तो आपके लिए मेरा एक क्वेश्चन, वैसे ही यहाँ देखिए इधर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हुआ, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन इधर होगा, ये करंट हुआ, क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। धारा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में क्यों चलता है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन जिधर जाता है उसके विपरीत दिशा में धारा चलता है, ऐसा क्यों, क्वेश्चन आपके पास एक छोड़ा, हर दिन एक क्वेश्चन छोड़ूंगा और आप सर्च करें, ठीक है। एक बच्चे ने ऑडियो बना के भेजा अपना जवाब, बहुत अच्छा लगा, उसका मैंने ऑडियो सुना, तो आप भी अपना ऑडियो बनाएं, एक मिनट या तीस सेकेंड का ऑडियो कि आपका आंसर क्या है, उस ऑडियो को मेरे पास भेजें, मैं आपके ऑडियो को सुनूंगा, आप जो जवाब देना चाहते हैं, क्योंकि टाइप करने में समय लगता है, तो सीधे ऑडियो यूज़ कीजिए, ऑडियो तो आपके पास है, आपका जवाब मेरे पास आएगा, सही लगेगा तो मैं ओके बोलूँगा, नहीं लगेगा तो मैं जिसमें क्या करेक्शन करना है वो भी बताऊँगा। बहुत सारा तरीका है आपके अपने डाउट्स को क्लियर करने का, वो आपको सोचना है कैसे आप डाउट्स क्लियर करें, कितना अवेयरनेस है आप में, कितना आप टीचर को परेशान कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, आज के लेक्चर इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से आएंगे और एक नया टर्म के साथ आएंगे और डिटेल हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू, इस लेक्चर में इतना ही।